वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर विवादों में करौली बाबा आ गए हैं। बता दें कि कानपुर में करौली सरकार की आश्रम आए युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी है, जहां करौली बाबा की आश्रम के बाहर पेड़ के नीचे शव मिला है, जहां गले में रस्सी बंधी थी और रस्सी पतली होने के कारण टूटने की आशंका जताई गई है। बता दें कि इस युवक की बहन और मां के साथ पश्चिम बंगाल से यह युवक इलाज कराने आया था। आपको बता दें कि यह युवक काफी दिन से बीमार था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल से करौली बाबा से मिलने आया था। गुरु पूर्णिमा की वजह से बाबा से मुलाकात नहीं हो पाई, काफी भीड़ होने की वजह से उसकी मुलाकात नहीं हुई। बता दें कि करीब 3 माह पहले दिल्ली के डॉक्टर से मारपीट के मामले में करौली बाबा काफी फेमस हुए थे। बता दें एक बार फिर करौली बाबा के आश्रम के बाहर एक युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी है, जहां पश्चिम बंगाल का यह युवक करौली सरकार से इलाज कराने आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि उस युवक की मौत कैसे हुई, उस युवक ने फंदा लगाकर आखिर अपनी जान क्यों दी। पुलिस जांच में जुटी है और शव को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।